Don't know why you left me bleeding. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. तो फिर से हम लोग निकल चले नए सफ़र और नई मंजिल की तरफ। तो आप लोग यहाँ देख ही सकते हैं कि हम लोग अभी जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा हम लोग पोखरा लेक साइड जो कि घूम रहे थे, और वहाँ पे घूमने के बाद हम लोग आ चले हैं यहाँ ऊपर जो कि पहाड़ी पे अभी हम लोग चढ़ रहे हैं। और यहाँ पर कौन सा जगह था आप लोग गेस करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग ऊपर जाने के बाद आपको बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग रास्ता जो कि कितना चढ़ान है, ऊपर सीधा चढ़ने वाला है, जो कि आपको बाइक है हम लोग के पास बुलेट तभी हम लोग पॉसिबल है कि जा पा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं रोड, तो सावधानी से चलना पड़ता है। और हम लोग अभी रास्ते पे जा रहे हैं, तब तक आप लोग रास्ता का मजा लें और हम लोग मिलते हैं डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे। They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. It's all weathered in this world will soon be gone. Will soon be gone. Can we leave for tonight? Run away. फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे हम लोग को आना था। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, तो हम लोग को आना था टापू, जो कि टापू का ये रास्ता है। और यहीं पे आपको दिख जाएगा साइड में मार्केट और ये छोटा सा स्टॉल जो कि यहाँ पे खाने पीने का आप लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे अभी काम चल रहा है ऊपर, तो हम लोग अभी ऊपर चलेंगे और ऊपर जा कर दिखाएंगे। तो यहाँ हम लोग अभी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं।
और यहाँ पे सीढ़ी है भाई साहब, तो थोड़ा साउंड प्रॉब्लम आ रहा होगा साइड से, तो कोई बात नहीं, अभी काम चल रहा है। तो हम लोग अभी सीढ़ी से चल रहे हैं और थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो अभी ऊपर चढ़ने वाले हैं और ऊपर चढ़ते चढ़ते अभी आपको दिखाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ऊपर ही जा रहे हैं और यहाँ पे एक टोकन लेना पड़ता है आपको, जो कि टोकन लेने पे हम लोग को यहाँ पे ऊपर में जाने पे कुछ मिलता है पीने और खाने के लिए, तो नीचे ही टोकन मिल जाएगा। और मेरे साथ ये सामने देख रहे हैं अरमान भाई, जो कि इसका हालत ख़राब हो चुका है बेचारे, बहुत गाड़ी चलाए यहीं पूरे पोखरा में, तो धन्यवाद। और फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं। यहाँ से आपको पूरा ये देख सकते हैं धार्मिक स्थल माइकोथान, तो यहाँ पे आपको आने के बाद पूरा पोखरा जो कि दिख जाएगा, पूरा पोखरा का नज़ारा आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और यहाँ ऊपर में एक हाथ बना हुआ है, जो कि ऊपर जा कर के आप लोग को यहाँ पे नेपाली 100 रुपये टिकट लगता है और आप लोग वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अभी ले लेते हैं कुछ खाने पीने का, जो कि हम लोगों ने नीचे से टोकन कटाया, तो वहाँ जा कर के कुछ लेते हैं और लेने के बाद आप लोग से मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अंदर चलते हैं लेने के लिए। तो यहाँ हम लोग अब अंदर जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या देता है अंदर में। और टोकन तो मैंने हम लोग ने 200 रुपये का कटवाया है, तो देखते हैं। भाई साहब 200 रुपये में बस 2 स्प्राइट मिला, चलो कोई ना। तो हम लोग को यहाँ पे टापू, ये देख लीजिए यहीं पे ये टापू है लिखा हुआ, तो आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं वहाँ पे जाके, सब लोग वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं। और हम लोग अभी और हाइट पे जा रहे हैं भाई साहब, कम था क्या इतना पीछे जो हम लोग को दौड़ाया, चलो कोई ना, घूमने आए तो ये तो होगा ही। तो भाई लोग आपके लिए आते हैं इतना दूर हम लोग, अभी तो हम नेपाल पोखरा में। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। और ये देख लीजिए यहाँ पे नेपाली फ्लैग, तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं नेपाली फ्लैग। और यहाँ पे भाई साहब नाइट व्यू यहाँ का इतना अच्छा लगता है ना कि आप लोग 4 घंटा 5 घंटा खड़े होकर देखते रह जाओगे और यहाँ पर आप लोग को टाइम का पता नहीं चलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ से बादल, पहाड़ियाँ और बीच में छोटा सा शहर पोखरा, जो कि झीलों का शहर माना जाता है। और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रहा है, आप लोग पैराग्लाइडिंग भी जा कर के कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लाउड कितना प्यारा लग रहा है भाई साहब, तो क्लाउड का भी यहाँ पर हम लोग ने कुछ कैप्चर किया है, तो आप लोग को दिखाएँगे। और फाइनली यहाँ पे आ गया ये जो हैंड वाला है, जो कि इसी का टिकट 100 रुपये प्राइस है, तो आप लोग यहाँ पे जाके फ़ोटो ले सकते हैं। Life out here, I scream and it goes silent.